हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस की क्लासों का क्रम अपना चल रहा था। हम अगला जो टॉपिक है अपना, वो है जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो वर्गीकरण, देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम अपने जीवन में बात करें तो हम ये देखते हैं कि अपनी संरचना जो होती है वो अपने मित्र से थोड़ी सी भिन्न होती है। या उसके बाद यदि अपन बात करें कि एक बंदर से यदि अपन हमारे फ्रेंड की तुलना करें तो हम बंदर की तुलना में हमारा फ्रेंड जो है वो हमारे साथ ज़्यादा लक्षण दिखाता है। आगे यदि अपन बात करें गाय की, तो गाय की तुलना में एक बंदर जो होता है वो हमारे साथ और ज़्यादा लक्षण है, वो समानता दर्शाता है। या अपन बात करें एक पेड़ की, तो पेड़ की अपेक्षा गाय जो होती है वो हमारे साथ लक्षणों की समानता ज़्यादा होती है। कारण क्या है? यानी धीरे धीरे जो जंतु है उनकी शारीरिक जो संरचना है उनके अंदर जटिलता है, और उन शारीरिक संरचना के आधार पर जंतुओं को अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग जो जगत है, अलग अलग जो संघ है, फाइलम है, या क्लास है, वर्ग है, या गण ऑर्डर है, या कुल है, फैमिली है, या वंश है, जीनस है, या जाति है, स्पीसीज है, इनके अंदर बांटना, और उसको बांटने से क्या होता है कि जो उनका अध्ययन करना जो है वो आसान हो जाता है। जैसे अपन बात करें, जैसे किराना की दुकान होती है उसके अंदर अपन देखते हैं कि यदि पूरे सामान को एक साथ ढेर करके रख दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, सामान की सप्लाई में दिक्कत आती है। लेकिन यदि हम साबुन को अलग रखें, बिस्किट को अलग रखें, साबुन में भी हम कपड़े धोने वाली साबुन को अलग रखें और नहाने की साबुन को अलग रखें, या नहाने की साबुन में भी हम जो अलग अलग जो प्रकार की साबुन है उनको अलग अलग रखें, तो उससे क्या है, दुकानदार को सामान सप्लाई में दिक्कत नहीं आती। तो वर्गीकरण से क्या होता है कि वर्गीकरण यदि कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें जीवों को और उनकी संरचनाओं के बारे में और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो लक्षण है, उनको समझने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो इसलिए हम वर्गीकरण है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यदि वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण करने वाले जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे या जो दार्शनिक थे, उनमें थे हिप्पोक्रेट्स व अरस्तु। सबसे पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया वो थे हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु। इन्होंने जो जीव है उनको पक्षी, कीट व मत्स्य तीन भागों के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने जो जीवों को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया। इनके बाद आगे जो वर्गीकरण का कार्य किया वो किया प्लीनी द एल्डर। प्लीनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस जो बुक थी प्लीनी दी एल्डर की थी, और इसने हजार पौधों का वर्गीकरण किया। इसने आगे यदि अपन बात करें तो आप कहते हो अगला जो वैज्ञानिक था वो थे जोनरे जो है उनकी बुक थी हिस्टोरिया जेनेटेरम
जेनेरलिस प्लांटेरम जो है उसके अंदर 18,000 प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था, प्राणी का वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जाति स्पीसीज शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, जाति शब्द जो है, स्पीसीज जो शब्द है वो दिया था जोनरे ने। स्पीसीज जाति जो शब्द है वो दिया था जोनरे ने। आगे यदि अपन बात करें तो अगला जो वर्गीकरण है वो है कैरोलस लिनियस का, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस की यदि अपन बात करें तो इसने, इसको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का पिता या वर्गीकरण विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जाति शब्द जो है वो जोन रे ने दिया था। आगे यदि अपन बात करें तो कैरोलस लिनियस की दो बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम के अंदर नाम आता है, एक तो है स्पीसीज, स्पीसीज प्लांटेरम, और एक है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। ये था वर्गीकरण का एक क्रम। सबसे पहले हिपोक्रेट्स और अरस्तु ने पक्षी कीट व मत्स्य का वर्गीकरण किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे प्लिनी दी एल्डर, इनकी बुक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस, इसमें इन्होंने 10,000 पौधों का वर्गीकरण किया। उसके बाद थे जोनरे, जोनरे की बुक थी हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम के अंदर 18,000 प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था। और जो जाति शब्द है, स्पीसीज जो वर्ड है वो जोनरे के द्वारा ही दिया गया था। आगे यदि अपन बात करें तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण जो है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसकी जो दो बुक है स्पीसीज प्लांटेरम और जो सिस्टेमा नेचुरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। तो ये था वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास जिन साइंटिस्ट ने किया था उसके बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्गीकरण का क्रम, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बंदर की तुलना में हमारा दोस्त जो है वो हमारे ज्यादा समान है, या गाय की तुलना में जो है वो बंदर हमारे क्या है, ज्यादा समानता दर्शाता है। इसका मतलब अलग अलग ऑर्डर के अंदर अलग अलग जो समानताएं हैं वो दर्शाई गई है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं वर्गीकरण के क्रम, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के क्रम। वर्गीकरण के यदि क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो होता है जगत, जगत जिसको बोलते हैं किंगडम। आगे जगत की यदि अपन बात करें तो जगत जो होता है वो डिवाइड होता है संघ के अंदर। संघ शब्द की यदि अपन बात करें तो फाइलम, फाइलम जो होता है वो होता है प्राणियों के अंदर, और जो वनस्पति होते हैं, पेड़ होते हैं उसके अंदर, इसको बोलते हैं विभाग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन। ये जो होता है वो होता है किसके लिए, वनस्पति के लिए, पादपों के लिए। तीसरा,
तीसरा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर आता है वर्ग, क्लास, क्लास के बाद आता है गण, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद यदि अपन बात करें तो आता है इसके अंदर कुल, कुल को बोलते हैं फैमिली, इसके बाद आता है वंश जिसको बोलते हैं जीनस, और इसके बाद आता है जाति स्पेसिस। जगत सबसे बड़ा, उससे छोटा संघ, प्राणियों के अंदर, वनस्पति के अंदर, पौधों के अंदर, इसको विभाग बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद वर्ग आता है, गण आता है ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस और जाति स्पीसीज। देखिए इसके जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण का आधार, सबसे छोटा क्वेश्चन कि वर्गीकरण का आधार क्या है, तो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो है जाति, कि वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो वर्गीकरण है वो सबसे छोटा आधार जो होता है जाति। या एग्जाम में हमने इसका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम है, ऑर्डर है वो सही कौन सा है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो अपन कहते हैं ये तो इसकी उच्चतम अवस्था होती है, उच्चतम, और ये होता है निम्नतम, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट। जाति जो है वो सबसे छोटा, और वंश जाति मिलकर क्या बनाती है, वंश बनाती है, कई वंश मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कुल बनाते हैं, और कई कुल है वो आपस में मिलके गण बनाते हैं, कई गण है वो आपस में मिलके वर्ग बनाते हैं, और कई वर्गों से मिलकर बना होता है संघ, और कई जो संघ होते हैं उनसे मिलकर बनता है जगत, किंगडम का निर्माण होता है। तो ये था अपने वर्गीकरण का क्रम। इस प्रकार से सबसे पहले जंतुओं को बांटा जाता है, एक किंगडम होता है, किंगडम से अपन उसको बांटते हैं संघ के अंदर, संघ को बांटा जाता है वर्ग के अंदर, वर्ग को बांटा जाता है कुल के अंदर, कुल को बांटा जाता है वंश के अंदर, और जो वंश होता है उसको बांटा जाता है जातियों के अंदर। यह था वर्गीकरण का क्रम। वर्गीकरण की क्रम की यदि अपन बात करें तो वर्गीकरण के क्रम के बाद आती है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो है वो दी थी द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा इसको दिया गया था, कैरोलस लिनियस, द्विनाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा द्विनाम पद्धति है वो दी गई थी। और किसके अंदर, इसके एक बुक अभी अपन ने पढ़ा था, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नाम की जो बुक थी उसके अंदर और जो द्विनाम पद्धति है वो दी गई थी। द्विनाम पद्धति की यदि अपन बात करें तो जो कैरोलस लिनियस था, द्विनाम दो नाम, यानी एक तो वंश का नाम और एक जाति का नाम। कैरोलस लिनियस जो था खुद इसका नाम जो था वो था कोरल वॉन लिन, लेकिन इसने क्या किया, इसने खुद ने और अपने नाम को द्विनाम पद्धति के नाम हिसाब से और दो नामों के अंदर इसने कर लिया, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति की कुछ बातें हैं अपने को इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है। देखिए द्विनाम पद्धति यानी दो नाम है, तो इसके अंदर जो प्रथम नाम होता है वो होता है वंश का, यानी पहला जो नाम होता है वो होता है वंश का, और अपन कहते हैं कि जो द्वितीय होता है, सेकंड जो होता है वो होता है जाति का।
दो नामों में, पहले है वो वंश लिखा जाता है और बाद में लिखी जाती है जाति लिखी जाती है। आगे पहला जो अक्षर है जाति वंश जो है वो बड़े अक्षर से लिखी जाती है और जो वंश है सॉरी जाति जो है वो छोटे अक्षर से, वंश है वो बड़े अक्षरों में और जाति है वो छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। आगे ये हमेशा इटैलिक भाषा में छपती है, इटैलिक भाषा में छापा जाता है, लेकिन यदि अपन इसको हाथ से लिखते हैं तो इसको अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। आप कह सकते हो हाथ से लिखने पर रेखांकित करना या अंडरलाइन करना जरूरी होता है। क्लियर है? दोबारा देखिए, प्रथम वंश का लिखा जाता है और दूसरा शब्द है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार जाति का लिखा जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो पहले बड़े अक्षर से लिखा जाता है फिर छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, इटैलिक भाषा के अंदर छपते हैं, जो नाम है वो हमेशा इटैलिक भाषा के अंदर छपते हैं और हाथ से लिखने पर दोनों जो वंश और जाति का जो नाम है उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो द्विनाम है उनके बारे में, जो बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम है उनके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। बाकी इनका एक अलग से जो नाम है उनका एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी यहां पर आपको कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपन बात कर लेते हैं मानव की। जो मानव होता है, इंसान होता है, इसका नाम जो होता है वो होता द्विनाम में अपन कह सकते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की यदि अपन बात करें तो हमने कहा था कि पहला जो होता है वो वंश होता है और दूसरा जो होता है वो जाति का होता है। तो होमो तो क्या होती है? मनुष्य की, वंश होता है, और सेपियंस क्या होती है? जाति होती है। वैसे ही अपन बात कर लेते हैं शेर, तो आप कहते हो पैंथरा लियो। तो हम कह सकते हैं पहला जो है वो क्या है? वंश है, यानी शेर का जो वंश होता है वो क्या होता है? पैंथरा। और इसकी जाति क्या होती है? लियो होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो मेंढक आप कहते हो राना टिग्रीना। तो राना क्या है? इसका वंश है, और टिग्रीना क्या है? इसकी जाति है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो गाय की बात करते हैं बॉस इंडिकस। तो हम कह सकते हैं कि गाय का वंश क्या है? बॉस है, और इसकी जाति क्या है? इंडिकस है। वैसे हम बात कर लेते हैं आम की, आप कहते हो इसका नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा क्या होता है? इसका वंश होता है, और इंडिका क्या होती है? जाति। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द जो होता है वो वंश का होता है और जीनस का होता है, और दूसरा जो होता है वो जाति स्पीसीज का होता है। क्लियर है? तो ये द्विनाम पद्धति थी। आगे द्विनाम पद्धति के बाद यदि अपन बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण है उसके लिए अलग अलग अपने सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो वर्गीकरण की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियों ने, किसी ने कहा था कि दो जगत वर्गीकरण होता है, किसी ने वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा था, किसी ने चार भागों में बांटा था, और अंततः जो आरएच वेटेकर का पंच जगत जो प्रणाली थी कि वर्गीकरण को पांच जगतों के अंदर बांटा गया है, उसी को ही पूर्णतः अपनाया गया और उसी का अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर
जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि दो जगत प्रणाली किसने दी थी। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो जगत प्रणाली। दो जगत प्रणाली, दो जगत प्रणाली जो है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, और दो जगतों के अंदर इसने संपूर्ण जो जीव जगत है उसको सिर्फ दो ही भागों में बांटा, पादप व जंतु, प्लांट एंड एनिमल। दो जगत प्रणाली जो है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी और इसने संपूर्ण जीव जगत को दो ही भागों में बांटा था, पादप व जंतु। आगे आगे यदि अपन बात करें कि तीन जगत प्रणाली, तीन जगत प्रणाली, तीन जगत प्रणाली जो है वो दी गई थी अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा तीन जगत प्रणाली जो है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दी गई थी और इसने जो जंतु जगत है, संपूर्ण जीव जगत है, उसको तीन भागों में बांटा, पादप जंतु। तीन जगत प्रणाली जो है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दी गई थी और इसने संपूर्ण जीव जगत को तीन भागों में बांटा, पादप जंतु व प्रोटिस्टा। पादप जंतु व प्रोटिस्टा। आगे आगे यदि अपन बात करें कि चार जगत प्रणाली, चार जगत जो प्रणाली है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो चार जगत प्रणाली है वो कॉपलैंड के द्वारा दी गई थी। कॉपलैंड, चार जगत प्रणाली जो है वो कॉपलैंड के द्वारा दी गई थी और इसने संपूर्ण जीव जगत को चार भागों में बांटा था, पादप जंतु प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसने संपूर्ण और जीव जगत को चार भागों के अंदर बांटा था कॉपलैंड ने, पादप जंतु प्रोटिस्टा और मोनेरा। और अंततः जो पांच जगत प्रणाली है, पंच जगत प्रणाली जिसको बोलते हैं, पंच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम सिस्टम, पंच जगत प्रणाली जो है वो दी थी आर एच व्हिटेकर। आर एच व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी पंच जगत प्रणाली जो है और इसके अंदर पादप जंतु प्रोटिस्टा मोनेरा के साथ रख दिया गया था कवक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे साइंटिस्ट का भी पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चार जगत प्रणाली में कौन सा नहीं था या तीन जगत प्रणाली के अंदर कौन कौन से थे। तो ये कुछ प्रणालियां थी जो वर्गीकरण के लिए प्रारंभ से दी गई थी, लेकिन अंततः जो पांच जगत प्रणाली है, पंच जगत जो प्रणाली है उसको अंततः अपनाया गया और क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसी का ही अध्ययन करते हैं। अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं पंच जगत प्रणाली की। पंच जगत प्रणाली जो है वो आर एच व्हिटेकर ने दी थी और इसने संपूर्ण जो जीव जगत है उसको पांच भागों में बांटा था, मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप और जंतु। सबसे पहले हम और पंच जगत प्रणाली का जो पहला जगत है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है मोनेरा। सबसे पहला जो जगत है पंच जगत प्रणाली का वो है मोनेरा, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यदि अपन बात करें तो आप कहोगे पंच जगत प्रणाली का जो मोनेरा जगत है उसको, और सबसे पहले सन 1868 में,
सन 1868 में एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल ने, और इसको सबसे पहले और यूज में लिया था। मोनेरा के अंदर क्या होता है, मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो मोनेरा जगत के अंदर विद्यमान होते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक तो आते हैं यू बैक्टीरिया, इसके अंदर मोनेरा जगत के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक तो आते हैं यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और एक आते हैं आद्य बैक्टीरिया, एक तो आते हैं यू बैक्टीरिया और एक आते हैं आद्य बैक्टीरिया। मोनेरा जगत को सन 1868 में अर्नेस्ट हेकल ने परिभाषित किया था। इसके अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो जीव है वो आते हैं, और दो प्रकार के जीवाणु इसके अंदर आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं सत्य जीवाणु, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को बोलते हैं सत्य जीवाणु या ट्रू बैक्टीरिया। आगे यदि अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो हैं, मोनेरा का जो एग्जाम्पल है तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया जीवाणु जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आगे अपन कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। देखिए शैवाल की यदि अपन बात करें तो ये एक प्लांट आता है थेलोफाइटा समूह का, लेकिन नीली हरी शैवाल की यदि अपन बात करें तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक साइनोबैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। आगे यदि अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिनको सत्य जीवाणु बोलते हैं इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं किसका, जीवाणु का, साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल का, और माइकोप्लाज्म का जो है वो मोनेरा के अंदर अध्ययन किया जाता है। ये अपन कह सकते हैं कि मोनेरा जो जगत है उसके प्राणी है। आगे अब हम यदि इनके लक्षण की बात करें कि मोनेरा जो जगत है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो मोनेरा जगत के लक्षण, इस जगत के प्राणियों में क्या जो कैरेक्टर्स हैं इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो है वो कोशिका भित्ति इन प्राणियों के अंदर, कोशिका भित्ति, केंद्र कला, वह जो केंद्रिका होती है वो अनुपस्थित होती है। मोनेरा जगत के प्राणियों के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका कला व केंद्रिका जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इनके अंदर बीजाणु जनन पाया जाता है, इसमें लैंगिक या अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इनके अंदर बीजाणुओं के द्वारा जो है वो जनन होता है। आगे यदि इसके अंदर पोषण की बात करें कि ये पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो पोषण की यदि अपन बात करें तो इसमें हमने देखो एक नाम पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होता है जिसको हम नीली हरी शैवाल बोलते हैं, ये सहपोषी होता है, यानी ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो भोजन है उसका स्वयं निर्माण करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं,
बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं परपोषी, यानी ये अन्य जो जीव होते हैं उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत के लक्षण, तो इसके अंदर जीवाणु की अपन बात कर रहे हैं कि जो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इसके मुख्य जो जीव होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया के क्या होता है सहपोषी होता है और जीवाणु क्या होता है परपोषी होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और जो इनके अंदर बीजाणु जनन पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो होती है इनके अंदर अनुपस्थित होती है।